तो आज के इन क्लास में बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। आपने देखा कि हम कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से किस तरीके से हम अपने डेटा को, नंबर्स को फॉर्मेट कर लेते हैं, टेक्स्ट को, डेट, टाइम को फॉर्मेट करते हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, चीज को जान लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको 40 दिख रहा है ना, तो 40 पे गया मैं, यहाँ से कोई बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर या कुछ भी बॉर्डर शोर्डर अप्लाई कर दिया, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस पे 40 टाइप है या कुछ भी टाइप। यहाँ जो भी टाइप होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे उसकी वैल्यू कलर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे अच्छा इसी चीज को चेंज करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे हाईलाइट तो करना है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे। जैसे सिलेक्टेड एरिया में हम चाहते हैं जो ग्रेटर देन 50 है वो हाईलाइट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ग्रेटर देन 50 है और मुझे यहाँ ढूंढने पड़ेंगे देखने के। मान लीजिए डेटा किसी को भेज रहे हो, आप चाहते हो कि भाई जो भी ओपन करे उसको 50 से बड़ा क्वांटिटी वाले सेल को ढूंढना ना पड़े, कंपेयर ना करना पड़े, एकदम आंखों के सामने स्पॉट हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 88 को स्पॉट कर दिया ग्रीन कलर से या येलो कलर से, तो क्या होगा, 59 ये स्टोर हो गया। तो अब जैसे फाइल खुलेगी सबसे पहले नजर हमें इस कलरफुल पे पड़ेगी। ठीक है, जी सर, इसलिए हम हाईलाइट करते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें। अगर पूरे कॉलम सिलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लें। डेटा सिलेक्ट करना है तो क्लिक करके नीचे की तरफ लाएं और उसको सिलेक्ट कर लें। तो हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे क्राइटेरिया है, जिसमें हम पहली क्राइटेरिया हाईलाइट सेल्स रूल्स को यूज करेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब जी इस सर, ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो जो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 275 आ गया, इसको डिलीट करके हम यहाँ पे 50 कर दिए, तो 50 हमारा कलर हो गया। लेकिन जो कलर है डिफॉल्ट कलर है, खुद का कलर नहीं है, तो खुद के जी कलर के लिए अब क्या करें, यहां से आप कलर चूज कर सकते हैं कि येलो फिल होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां से आप फिल कर सकते हैं। अब इसमें कस्टम फॉर्मेट भी है। अब कस्टम फॉर्मेट में हम आते हैं। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद हम अपनी फॉर्मेटिंग खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर या बॉर्डर या क्या होना चाहिए। हमने सिलेक्ट किया, देन ओके एंड देन ओके कर। तो जितने भी 50 से बड़े अमाउंट थे वो सारे के सारे कलर हो गए। जी सर, अब बोलेंगे कि यहाँ पे आपका एक क्वांटिटी को हाईलाइट हो गया। बेसिकली क्वांटिटी को एक क्यू क्वांटिटी को क्वांटिटी नहीं पढ़ रहा है, एक्सेल पढ़ता है कोड। कोड फॉर्मूले से देखेंगे कोड तो 81 है। अब 81 भी तो 50 से बड़ा होता है ना, इसलिए हाईलाइट कर दिया। तो ऐसी बात हो तो आप उसको मत कीजिए, सिलेक्ट मत कीजिए, या फिर इससे यहाँ की फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर सिलेक्टेड शेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ की फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी और ऐसे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए आप मैनुअल जब अप्लाई करते हैं तो आप 83 है और कल के डेट में 40 हो जाएगा तो यहाँ से कलर रिमूव नहीं होगा, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब कोई कलर देता है, फॉर्मेट करता है, तो ये चेक करते ही रहता है कि डेटा चेंज हो तो चेंज कर दे। जैसे यहाँ 88 के जगह पे मैं 28 लिख के एंटर मारूंगा तो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, और जैसे 43 है, 43 के जगह पे 84 कर दिया तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई भी करता है और उसको मेंटेन भी रखता है। और क्या क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एक बार चलिए देखते हैं। तो हाईलाइट में ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन टू नंबर्स के बीच की वैल्यू, इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, जी सर, वन बाय वन देख अप्लाई करके देखते हैं। लेस देन में मान लीजिए मुझे 60 से छोटा चाहिए तो लेस देन वाला आ गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बिटवीन करते हैं, मुझे 50 to 60 चाहिए तो 50 to 60 यहाँ आ गया। ओके, जी सर, उसके बाद उसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इक्वल एग्जैक्ट सेल वैल्यू की मुझे एग्जैक्ट 61 को हाईलाइट करना है,
देखिए यहाँ 61 हाईलाइट हो गया, जी जी ठीक है जी सर। और उसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर नेम को हाईलाइट करना है इक्वल टू, अब नेम पे या किसी पर टेक्स्ट पे आप ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कि आप लेस देन पूजा कर रहे, ये सही वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉजिकल्स होते हैं वो सिर्फ डेट टाइम और नंबर्स पे होते हैं, जैसे डेट है तो डेट पे आप कर सकते हैं कि भाई लेस देन, अब यहाँ पे देखिए 1 फरवरी 2021 है तो 1 फरवरी 2021 से छोटा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि 8 जनवरी 2020 ठीक है, उससे छोटा इसलिए हाईलाइट कर, जी सर। तो डेट टाइम एंड नंबर्स की यूज कर सकते हैं, बट इक्वल टू जो है वो सब पे होता है, एक पर्टिकुलर नंबर करना है या किसी से मैं मुझे देव को हाईलाइट करना है, जहां जहां देव है वहां हाईलाइट हो गया, ओके जी सर। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे एक यहाँ पे एरिया करना कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देव को हाईलाइट कर दिया, पूजा को हाईलाइट कर लीजिए, मान मैंने यहाँ पे इक्वल टू में पूजा दिया तो पूजा हाईलाइट हो गया, बट यहाँ देखिए पूजा सिंह, पूजा केआर सिंह हाईलाइट नहीं है, तो इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन करेंगे, और यहाँ पे मैं पूजा लिखूंगा, देखिए पूजा, पूजा सिंह, पूजा केआर, पूजा शर्मा, पूजा, तो पूजा जहां भी है सब जगह उसको हाईलाइट कर देगा, एक जगह नहीं जितने जगह पे पूजा है वहां पे हाईलाइट कर देगा, टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब कि अगर आपका फर्स्ट आपने आपका नाम किसी कहीं पे पूरा लिखा है कहीं पे आधा लिखा है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक जी सर। अब मान लीजिए कि डेट जो लिखा हुआ है और डेट आपका लिखा हुआ है आप चाहते हैं कि करेंट डेट के अकॉर्डिंग चले, जैसे मैंने हाईलाइट करके अगर इक्वल टू पे गया आज की डेट मान लीजिए वो है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी मैंने लिखा ओके किया तो 26 जनवरी हाईलाइट हो, लेकिन 26 जनवरी हमेशा हाईलाइट तो नहीं रहेगी, कल हमेशा हाईलाइट रहेगी ना, कल मैं खोलूंगा तो 27 पे कन्वर्ट नहीं होगा और 26 ही रहेगा, 26 पे फिक्स हो गया, ठीक है जी सर। तो उस केस में क्या करेंगे, जब आप चाहते हैं कि नहीं जो हाईलाइट हो वो मेरे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग, उसके लिए यूज करते हैं डेट ऑफरिंग। डेट ऑफरिंग में यहाँ पे डेट डालने की फैसिलिटी नहीं होती है, आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने टुडे करके ओके कर दिया तो 26 जनवरी हाईलाइटेड है, जैसे सिस्टम डेट 26 से 27 होगा कल ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी सर। हाईलाइट होगा आपका सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा, तो डेट ऑकरिंग स्टडे टुडे टुमारो इन द लास्ट 7 डेट लास्ट वीक दिस वीक नेक्स्ट वीक लास्ट मंथ दिस मंथ लास्ट मंथ, तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके हाईलाइट कर देगा और हमेशा हाईलाइट रखेगा। टुमारो देखिए द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक दिस वीक, लास्ट नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, ये हाईलाइट हो जाता है, ठीक है जी सर। ये होता है डेट ऑफ। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, अब आप देखना चाहते हैं कि आपके डेटा में कोई नंबर डबल टाइम एंट्री तो नहीं, सिलेक्टेड डेटा हम चाहते हैं इसमें कौन कौन से नंबर जो है एक से ज्यादा बार, तो आप यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी होगा मल्टीपल टाइम वो हाईलाइट हो जाएगा, अब ओके कर दीजिए, जैसे मैं नंबर लिखूंगा जो 24 लिखा, 24 दो बार है दोनों हाईलाइट, तो आपको किसी नंबर डेटा से अगर डुप्लीकेट वैल्यू को आइडेंटिफाई करें, जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर है
ठीक है। और अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाले हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे नंबर रिपीट हो वो हाईलाइट हो जाए, तो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू, जो भी नंबर मोर देन वन टाइप था वो आपका हाईलाइट हो गई। ठीक है सर, जी सर। तो आपने सीखा यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑगरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। जी सर। समझ में आ गई आपको? जी जी बिल्कुल। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।